माशाल्लाह क्या है, खूबसूरत माहौल बन गया है। माशाल्लाह ओ वाह, चना चाट है ना, चना चाट की फीलिंग हो रही है गोल गप्पों के अंदर। दही भरे माशाल्लाह, चेक करें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो आज जी एक मज़ेदार सी चीज़ खाने का मैं दिल कर रहा था, कुछ मीठा हो जाए, कुछ अच्छी सी, कुछ बेहतरीन क्वालिटी खाने का दिल कर रहा था। तो जी उसको खाने के लिए हम आज मौजूद हैं जी लाहौर के इलाके फतेहगढ़ में। यहाँ पर मौजूद हैं जी बिलाल फ्रूट चाट, मेरा हम नाम ही है बिलाल फ्रूट चाट। इनकी फ्रूट चाट बहुत मशहूर है, बहुत दूर दूर से लोग इनके पास फ्रूट चाट खाने आते हैं। ये हम इनकी शॉप नंबर ब्रांच नंबर 2 पे खड़े हैं। एक इनकी दूसरी ब्रांच है वो है जी शालामार लिंक रोड मुगलपुरा रोड पर। तो आए चलते हैं, इनका टेस्ट करते हैं फ्रूट चाट, जो क्या सा टेस्ट है इनकी फ्रूट चाट में कि लोगों का दूर दूर से रुझान बना। मैं लोकेशन की बात करूँ तो इनकी लोकेशन है जी फतेहगढ़ मोर मुड़ते ही बट्टी सुपर मार्ट के बिल्कुल साथ है जी बिलाल। तो बिना किसी देर के चलते हैं जी अंदर, फ्रूट चाट ट्राई करते हैं, साथ में आपको कुछ और यूनिक चीज़ें भी दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ फैमिली हॉल भी है, यहाँ पे पार्किंग की सहूलत भी दी जाती है, बाइक पे हैं गाड़ी पे हैं पार्किंग आपको यहाँ पे दी जाती है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो अब तक आसानी पहुँच जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है, अपना नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम हामिद है, हमारे पास दही बड़े हैं, फ्रूट चाट है, उसके अलावा गोलगप्पे हैं, उसके अलावा मिल्क शेक है, मिल्क शेक में अलग अलग वेराइटी है। सबसे फेमस चीज़ अभी तक जो है फ्रूट चाट। आज हमें आप क्या ट्राई करवाएंगे? आज हम आपको सारा कुछ ट्राई करवाएंगे, आज हमें तो हामिद भाई सबसे पहले क्या दिखाएंगे हमें? आपको सबसे पहले दही भले ट्राई करवाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं जिसकी वजह से हमारे पास सिर्फ एंड रह गया। वाह, ठीक है, नहीं तो माशाल्लाह फुल भरा होता। यहाँ तक फुल था? जी जी फुल था। अच्छा माशाल्लाह, एंड रह गया माशाल्लाह। उसके अलावा हमारे पास ये देखिएगा, ये रहता है, ये भी सिर्फ एंड है, खत्म होने वाला। अच्छा, तो ये और बनेंगे इसके अलावा? इसके अलावा माशाल्लाह तैयार होंगे, बस अब टाइम आउट हो रहा है। अच्छा अच्छा, क्लोजिंग टाइम है। जी जी। उसमें क्या पड़ा? ये क्या चीज़ है? इसके अलावा ये हमारा फ्रूट चाट का दही है। वाह, फ्रूट चाट का दही है। हम दही डालते हैं, क्रीम नहीं डालते हैं। इसके अलावा गोलगप्पों का रिव्यू देखिएगा पहले, ये देखिएगा। वाह, ये चाट बनाई हुई है? जी जी, ये सारे गोलगप्पों की चाट है, आलू चने हैं, ये देखिएगा। तो ये गोलगप्पे फिलिंग में आपके पास यही फ्लेवर है चने वाले? जी जी, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐड होती हैं। ये दही है, ये दही इसमें क्या क्या डाला है? मसाला है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐड की गई हैं, काली मिर्च ऐड की जाती अच्छा। है और फ्लेवर के लिए काफ़ी अच्छा बना होता है। अच्छा, उसके अलावा हम आपको रायता दिखाते हैं, ये देखिएगा, ये भी दही का बना हुआ है। जी जी, ये भी दही का बना हुआ है, मनी पर्पज जो है ना मुझे वाला। वाह माशाल्लाह, यानी कि आपका तो सारा कुछ अब एंड ही रह गया, हम लेट आए, आप लेट आए, एंड रह गया। ये इनका मीठा पानी है माशाल्लाह। वाह, चना चाट है ना, चना चाट की फीलिंग हो रही है गोलगप्पों के अंदर। ये गया जी गोलगप्पों के साथ, खट्टा खट्टा है ना इसमें, खट्टा पानी, ये खट्टा पानी गया माशाल्लाह। अच्छा, जो खट्टे का पानी इस्तेमाल करते हैं ये आपका मिनरल होता है, अच्छा पानी होता है, फिल्टर का पानी होता है? यहाँ पे जो फल फ्रूट चाट के लिए जो फल इस्तेमाल होता है ना, ये है जी केले, माशाल्लाह केले भी क्वालिटी में अच्छे हैं और क्वांटिटी अच्छी लेके आते हैं। माशाल्लाह इनके पास सेब लगे हुए हैं, माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी के सेब हैं, ये देखिए सेब कितना कितना हैवी, ऐसी पेटियाँ इनके पास और भी भरी हुई हैं। माशाल्लाह क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं है, फिलहाल फ्रूट चाट वालों का क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। फ्रेश फ्रूट है इनके पास और फ्रेश हर चीज़ है, आपके सामने लाइव बनाई जाती है, लाइव आपको दिखाई जाएगी माशाल्लाह। आपको मैं रेकमेंड करता हूँ आएँ यहाँ पर, इनकी फ्रूट चाट ट्राई करें। हमारी जो फ्रूट चाट है वो रेडी होने लगी है। कितनी कितनी क्वांटिटी रखनी है हर चीज़ की? माशाल्लाह हमारी एक्स्ट्रा ही होती है। अंगूर है इसके साथ, ये आ गया जी अंगूर, अनार आ गया माशाल्लाह। अनार के बाद जी ये क्या चीज़ डालते हैं? सोगी आ गई, सोगी आ गई, किशमिश की जिसको बोलते हैं किशमिश। ये आगे जी बादाम, ये अब कंप्लीट हो गया? जी जी, ये कंप्लीट हो चुका है, अब हम आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप ये आप इसके ऊपर क्या डाल रहे हैं? इसके ऊपर दही डाल रहे हैं जो हमारा एज अ क्रीम यूज होता है। अच्छा, एज अ क्रीम दही यूज होता है? जी जी। अच्छा जी, देखिएगा माशाल्लाह,
तो ये जी इसके ऊपर आ गया दही, माशाल्लाह दही गाढ़ा देखें कितना है माशाल्लाह, वो पतले वाला काम नहीं के पतले वाला दही। ये रही जी आलू बुखारे की चटनी, माशाल्लाह ओ वाह, ये माशाल्लाह जी इनके एक दो तीन चार बोल पर हैं, ये खाली हो गया, ये तीन परे हुए हैं माशाल्लाह। ये भी भाई बता रहे हैं कि ये फिल हो जाते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं फिर फिल हो जाते हैं माशाल्लाह। लाल फ्रूट चाट वालों की जो चाट है ना माशाल्लाह वो रेडी हो चुकी है माशाल्लाह। ये आप प्याला देख सकते हैं कि कितना फिल हुआ है, ये किनारे चेक करें इसके कितना फिल हो गया हुआ। अब बस अगर इसमें कुछ और ऐड करेंगे ना वो गिरना ही रह जाता है बाकी, फिर तो मज़ीद इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे तो ये एक बंदा आराम से तो नहीं खा सकता। ये तकरीबन 2% के 2% के लिए है माशाल्लाह, ये 2% के लिए जो ये माशाल्लाह लाल फ्रूट चाट वालों की चाट है, फ्रूट चाट है, फ्रूट चाट के बाद दही बल्ले हैं माशाल्लाह। दही बल्ली में माशाल्लाह ये आ गया जी दही पकौड़ियाँ, इसमें सिर्फ जी ये है सलाद है, सैलड आ गया। अच्छा नेक्स्ट है मसाला माशाल्लाह, और ये आ गया जी रायता, पुदीने का रायता था जी। ये पुदीने का रायता, इसके ऊपर फिर फिलिंग हो गई दही बल्लों की। अब ये कम्प्लीट हो गया है तो आए इसको टेस्ट करते हैं, इसका रिव्यू बताते हैं आपको कि क्या ऐसी इसमें माशाल्लाह गिद्दर सिंगी है, क्या इसमें खलूस है, प्यार है इनका, क्या इसमें मोहब्बत है माशाल्लाह। तो इसका रिव्यू बता, इसकी प्राइस मुझे बताएंगे। इसका हमारा प्राइस टैग जो है 150 है, 150 में, 150 में ये प्याला है पूरे का पूरा। आजकल इतनी महंगाई में 150 में आता गया है भाईजान। यहाँ पे फैमिली हाल है, यहाँ फैमिली हाल है। अच्छा ये मुझे थोड़ा सा दिखाएंगे आप, दिखाएंगे जी। इनके सेकंड पोर्शन पे वो भी फैमिली हाल है, फैमिली हाल दो बने हुए, एक नीचे एक ऊपर है। यहाँ पे काफी ज्यादा कस्टमर और औरतें बैठी हुई जिस वजह से हम वीडियोज नहीं बना सकते, तो अभी ऊपर चलते, ऊपर जाके आपको इनका रिव्यू दिखाते हैं फैमिली हाल का। आज फैमिली हॉल में हम आ चुके हैं माशाल्लाह। नीचे से जो ना मुझे ये ऊपर वाला फैमिली हॉल बहुत अच्छा लगा है, कुर्सियाँ हैं, मेज़ है, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हुई है माशाल्लाह। यहाँ पे खूबसूरती बहुत है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो अंश भाई ये फैमिली हॉल आपने अभी अभी बनवाया? ये हमने रिसेंटली ओपन किया है, अभी हमने जब ये ब्रांच बनाई थी ना बनारस आदि लिया था, लेकिन रिसेंटली ओपन किया है। नीचे रश ज़्यादा हो, हमारे पास नीचे कवर नहीं हो रहा, तो फिर हम लोग ऊपर भेज देते हैं कि हम लोग अपने कस्टमर को ईजी कवर कर सकें। सेकंड पोर्शन में बाइक का रिव्यू अगर बताया जाए तो ये मेरे सामने शीशा लगा हुआ है, शीशा है बिल्कुल मेरे सामने, फतेहगढ़ की रोड जो जा रही है ना वो ये सारी फतेहगढ़ रोड जा रही है, बिल्कुल एक कट है, कट के बिल्कुल साथ है भट्टी सुपर मार्ट के बिल्कुल साथ है बिलाल फूड चार्ट। इस जगह पर आपको खड़े होकर ऐसा लगेगा कि आप माशाल्लाह किसी 5-star होटल पर आ गए हो माशाल्लाह। रेट है ना जो इनके बहुत रीज़नेबल है, रेट तो माशाल्लाह बहुत रीज़नेबल है और क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो चल के क्वालिटी टेस्ट करते हैं उनकी। तो जी माशाल्लाह बिलाल फ्रूट चाट वालों का जो ऑर्डर हमने लगवाया था वो हमारे पास आ गया, ऑर्डर में आया जी बिलाल फ्रूट चाट, उसके साथ है जी दही भल्ले, दही भल्ले के साथ है जी ये इसको कहते हैं जी पापड़ी, ये दही भल्लों के ऊपर डाल के खाएँगे हम, बहुत मज़ा आएगा हमें आज जी। साथ में मसाला है, ये आ गई जी मीठी चटनी है जी दही भल्लों के लिए, तो ट्राई करते हैं इसका रिव्यू लेते हैं टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि वाकई इनके टेस्ट में कोई ऐसी बात है कि लोग दूर दूर से इनकी फ्रूट चाट टेस्ट करने के लिए आते हैं। तो करते हैं जी बिस्मिल्लाह। वाह माशाल्लाह पूरा एक पहाड़ बनाया हुआ है माशाल्लाह, नीचे तक ये देखे तय, हल्की नीचे तक तय लगी हुई है, इसके ऊपर जो उन्होंने दही डाला ना वो क्रीम की जगह दही इस्तेमाल होता है। तो रिव्यू लेते हैं इसका बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए फीलिंग बहुत ज़्यादा है। ओ माशाल्लाह बहुत मज़ेदार सीन है यार ये तो। क्रीम चाट जो है ना आपने काफ़ी जगह से खाई होंगी, ट्राई की होंगी, मैंने खुद भी खाई है, पर कमाल है यार इसमें ये जो दही का सीन है ना, ये वाला दही का सीन, इसका एक लैदा टेस्ट है, भाई भी आपको बता रहे थे दही का एक टेस्ट है। दूसरा उसके साथ ये जो आलू बुखारे का पहाड़ है ना, हाँ 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 माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त है, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। सारी जान मेरे ख्याल से ना इस चटनी के है, आलू बुखारे की चटनी के, आलू बुखारे के साथ एक रिव्यू लेते हैं बिस्मिल्लाह। मज़े आ गए हैं यार फ्रूट चाट खाने के ना, मज़े आ गए। मेरा तो दिल नहीं कर रहा कि आगे मैं दूसरा दही भल्लों का भी आपको रिव्यू दूँ, ये बहुत मज़ेदार है माशाल्लाह, ये रेकमेंड है, पैसे ज़ाया करने वाला सीन नहीं है यहाँ पे माशाल्लाह। 150 में आता गया। अब हम ट्राई करेंगे जी इनके बिलाल फ्रूट चाट वालों के दही भल्ले। फ्रूट चाट ट्राई करने के बाद आज अगर कंसेप्ट कुछ उल्टा सा कर रहे हैं, वैसे मीठा होता है
फीके के बाद, आज हम मीठा पहले खा के फीका बाद में खा रहे। तो उसके साथ हमें मिली है जी ये पापड़ी, ये देखे जी माशाल्लाह, ये पापड़ी इस पर डाली जाएगी ऐसे करके। साथ में मिली है जी हमें आलू मसाले की चटनी है साथ, तो कुछ मीठा मीठा सा हो जाए ना, तो चले मीठा मीठा टेस्ट लेते हैं साथ इसके। ये हमने डाली जिसके ऊपर आलू बुखारे की चटनी, पापड़ी थोड़ी सी ओढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाह, वाह माशाल्लाह, क्या है खूबसूरत माहौल बन गया है माशाल्लाह। तो करते हैं जिसको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नहीं भरे माशाल्लाह, चेक करें माशाल्लाह, बहुत बहुत फेमस दही भले हैं। इनके दही भलों का टेस्ट जो है ना, एक अलग है, एक हट के टेस्ट है। ये थोड़ा सा पास करें, ये देखें जरा, आम जगहों पे दही भले खाए ना तो उनका जो रायता जो दही होता है ना वो बहुत पतला सा होता है। ये देखिए ये इतना गाढ़ापन है, इस पर गाढ़ा दही है इनका सारा। इनकी जो चटनी पुदीने वाली थी वो भी गाढ़ी थी। ये गाढ़ा दही भल्लों में बहुत अच्छा टेस्ट है, रेकमेंड है दही भल्ले भी। हम बिलाल फ्रूट चाट वालों की फ्रूट चाट और दही भल्ले ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो पूरी ये जो खाने में ना हमें टाइम काफ़ी लगेगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो खैर इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा, जरूर दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अल्लाह ताला आपके रिस्क जान माल इसमें बरकत दे, अल्लाह देगा।